हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टेक्निक रिलेटेड टू मुगल आर्ट्स. ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टेक्निक जो कि मुगल आर्ट से रिलेटेड है. सो आज हम डिस्कस करेंगे पेट्राडोरा आर्ट को. ओके, सो व्हाट इज पेट्राडोरा आर्ट? इट इज़ कॉल्ड परचिन करी. ओके, इट इज़ कॉल्ड परचिन करी. सो इसे परचिन करी क्यों कहा जाता था? ये एक पर्शियन जो है वर्ड है, परचिम करी. ओके, सो ये बेसिकली हमारे इंडिया में मुगल पीरियड्स के टाइम पे पर्शिया से अडॉप्ट किया गया एक टेक्निक था. इट इज़ एन इनले टेक्निक. नाउ न्यू वर्ड यू कैन सी हियर, इनले टेक्निक. ओके, आगे मैं इसका मीनिंग बताऊंगी. सो इट इज़ एन इनले टेक्निक ऑफ यूजिंग एंड कट एंड फिटेड हाईली पॉलिश कलर स्टोन टू क्रिएट इमेजेस. मतलब कि ये एक इनले टेक्निक हुआ करती थी. इनले टेक्निक का मतलब होता है जड़ना, किसी चीज़ को जड़ना या इंसर्ट करना. ओके, सो ये एक इनले टेक्निक हुआ करती थी जिसमें कि कटिंग की जाती थी स्टोन्स की और उसे फिट किया जाता था. ओके, उस स्टोन्स को पॉलिश्ड और कलर्ड, बेसिकली वो कलर्ड वहाँ पर यूज़ नहीं होता था. मीन्स स्टोन्स में कलर का यूज़ नहीं होता था, बल्कि कलरफुल स्टोन्स को ही कट करके इसे बनाया जाता था. नाउ आगे हम देखते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड अ डेकोरेटिव आर्ट. ओके, इसे डेकोरेट करने के लिए, किसी भी मॉन्यूमेंट को डेकोरेट करने के लिए इसका यूज़ करता किया जाता था. इन पेट्राडोरा आर्ट स्टोन्स स्लाइस्ड एंड कट. स्लाइस्ड एंड कट का मीनिंग होता है छोटे छोटे, जो हम स्लाइस्ड कट करते हैं ना फ्रूट्स के. सो स्लाइस्ड का मतलब छोटे छोटे पीसेस करना, उसे काटना और उसे इंसर्ट करना. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनले टेक्निक ऑफ स्लाइस्ड एंड कट. ओके, सो इन पेट्राडोरा आर्ट स्टोन्स स्लाइस्ड एंड कट इन डिफरेंट शेप एंड सेक्शंस. मैनी डिफरेंट कलर स्टोन्स पर्टिकुलरली मार्बल अलॉन्ग विथ सेमी प्रीशियस एंड प्रीशियस स्टोन्स वर यूज्ड. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कलर नहीं यूज़ किया जाता था, इसमें यूज़ किया जाता था कलरफुल स्टोन्स का. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कुछ स्लाइस कटिंग किए गए हैं रेड स्टोन के, ये कुछ ब्लू एंड सम ब्लैक स्टोन्स वर यूज्ड और इसे काटा गया है. ओके, इसे काट के इस तरह से, यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ताजमहल. ओके, पेट्राडोरा टेक्निक इज ऑल्सो बी विटनेस्ड एट ताजमहल. सो ये एक हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं ताजमहल में. सो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यू कैन सी हियर, कि यहाँ पर जो स्लाइस्ड फिट किए गए हैं, यानी कि इस तरह से ये जो आप लोगों को फ्लावर्स दिख रहे हैं, इसे कट करके स्टोन्स के थ्रू बनाया गया है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पेट्राडोरा आर्क. सो यू कैन ऑल्सो सी सम की वर्ड्स हेयर लाइक इनले टेक्निक, स्लाइस्ड एंड कट. ओके, सेमी प्रीशियस एंड प्रीशियस स्टोन्स एज वेल एज मार्बल. सो यू कैन ऑल्सो एड अलॉट ऑफ थिंग इन योर आंसर. वैन यू आर राइटिंग द आंसर, यू कैन ऑल्सो एड कि इसमें कलर का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता था, बल्कि मल्टी कलर्ड जो स्टोन्स है उसका यूज किया जाता था. ठीक है, पेट्राडोरा टेक्निक इज ऑल्सो बी विटनेस्ड एट ताजमहल. ओके, सो ये लिखने के बजाय कि वी कैन ऑल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ ताजमहल, वी कैन राइट अ अट्रैक्टिव सेंटेंस लाइक पेट्राडोरा टेक्निक इज ऑल्सो बी विटनेस्ड एट ताजमहल. सो इट इज ऑल्सो गिव्स अ बेटर वे टू एक्सप्रेस अवर आंसर. ओके, सो दैट्स इट अबाउट पेट्राडोरा आर्ट. थैंक यू सो मच.